दिसंबर 2022 की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें सामने आई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर इससे जोड़कर कुछ तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए जाने लगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये तस्वीर ट्वीट की और कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों की तैनाती की वजह से अरुणाचल प्रदेश के तवांग का ये क्षेत्र अब पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI ने भी ये तस्वीर किरेन रिजिजू के ट्वीट किए गए कैप्शन के साथ ही ट्वीट कर दी। वहीं आज तक ने भी ये तस्वीर अपने प्रसारण में चलाई। रिजिजू ने कहा कि यहां जबाज सैनिकों की पर्याप्त संख्या में मौजूदगी है और देश पर कोई आंच नहीं आएगी। तवांग पहुंचे किरेन रिजिजू और ये तस्वीर उन्होंने खुद ट्वीट की सेना के जवानों के साथ। ये तस्वीर हाल के मौके की बताते हुए कई मीडिया आउटलेट्स ने शेयर की। इस लिस्ट में टाइम्स नाउ, ऑप इंडिया, NDTV, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, इन खबर, ETV भारत, नवभारत टाइम्स, News24, जागरण, ABP न्यूज, TV9 भारतवर्ष, न्यूज ट्रैक, ईस्ट मोजो, इंडिया TV, ऑल इंडिया रेडियो शामिल है। तो क्या है इस तस्वीर की सच्चाई, आइए देखते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने किरेन रिजिजू के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए ये स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। किरेन रिजिजू ने ये तस्वीर 29 अक्टूबर 2019 में ट्वीट की थी। उस वक्त उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था कि दिवाली के मौके पर वो भारतीय सेना के अरुणाचल स्काउट से मिले थे। गौर करें कि साल 2019 में अक्टूबर के आखिरी दिनों में दिवाली का त्योहार मनाया गया था, यानी केंद्रीय मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद जगह सुरक्षित बताते हुए जो तस्वीर ट्वीट की वो असल में 2019 की है। मीडिया संगठनों ने इसी तस्वीर के आधार पर ये दावा किया कि किरेन रिजिजू भारतीय जवानों से मिलने तवांग पहुंचे। ऑल्ट न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता कि केंद्रीय मंत्री तवांग पहुंचे थे या नहीं, लेकिन ये तस्वीर 3 साल पुरानी है।